नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तेजी से बढ़ते जलस्तर ने प्रयागराज के दारागंज घाट से सटे सड़कों के पास रहने वालों के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। आलम यह है कि प्रयागराज के दारागंज तिराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट के आगे तक सड़कों पर बाढ़ का पानी ही पानी है। इन सड़कों पर आम दिनों में हमेशा दोपहिया और चार पहिया गाड़ियां फर्राटे भरते नजर आती हैं और दारागंज की सबसे व्यस्ततम सड़कों में प्रयागराज की दारागंज तिराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट से होते हुए नाग वासुकी मंदिर से होते हुए बख्शी बांध पर जाकर सड़क मिलती है। इस वक्त तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से सड़क पर अब बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से सड़क किनारे के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। आलम यह है कि दारागंज की सड़कों के किनारे के रहने वाले लोग अपने नीचे के कमरे के सामान को दूसरी मंजिल पर रखना शुरू कर दिया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाढ़ का पानी घरों में घुस जाने की वजह से अपना सामान दूसरी जगह ले जाकर शिफ्ट कर रहे हैं। दारागंज तिराहे से लेकर नागवासुकी मंदिर से बख्शी मन जाने वाली सड़क तक के सभी घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 150 से अधिक परिवार इस बाढ़ के पानी की वजह से प्रभावित हो गए हैं। प्रयागराज दारागंज तिराहे से शुरू होकर दशाश्वमेध घाट पुलिस चौकी, इसी सड़क पर बने हुए सरकारी सुलभ कॉम्प्लेक्स, पुराना गणेश भगवान का मंदिर, दशाश्वमेध मंदिर और नागवासुकी मंदिर की सीढ़ियाँ, पुराना मस्जिद की दीवार, जूना अखाड़ा के जमीन का गेट डूबा हुआ। इसी बाढ़ के पानी में सड़क पर बना रहे कुंभ के सौंदर्यकरण का काम प्रभावित हुआ है। इसके अलावा दारागंज के सड़कों के किनारे 150 से अधिक परिवार भी इस बाढ़ के पानी की वजह से प्रभावित हुए हैं। अधिकतर रोजमर्रा कमाने खाने वाले लोग इन सड़कों के किनारे अपने मकानों में रहते हैं। बाढ़ आ जाने की वजह से इन पर रोजी रोटी का थोड़ा संकट आ गया है। आपको बता दें, हर साल बाढ़ आने की वजह से दारागंज तिराहे से लेकर रोड तक रहने वालों के लिए संकट आ जाता है। तिराहे से लेकर बख्शी बांध जाने वाली सड़क तक रहने वाले परिवार इस बाढ़ की वजह से प्रभावित होते हैं। दारागंज तो ये एक बार ही कल राती से पानी भरना स्टार्ट हुआ। अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? अरे, आने जाने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, छोटे बच्चे क्या खिलाए, बोट नाव के आदमी काम कर नहीं जाएंगे, बच्चे खाएंगे। हाँ, सहयोग चाहिए हमें, क्योंकि हमें सहयोग, नाव लगना चाहिए आने जाने के लिए। भाई बच्चे भूखन मर रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। जब पानी और बढ़ेगा तब आप लोगों की क्या हालत है? अरे, अब इसी में मरना है, इसी में जीना है, और कहीं जगह तो है ना। राहत शिविर में नहीं जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अब कोई अपना तो देंगे नहीं। रोजी रोटी का क्या था? अरे, रोजी रोटी रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं। तो क्या मतलब, काम क्या? लेबर गिरी कर रहे हैं। नाव भी चलती है? हाँ, नाव भी चलती है। घर में नाव नहीं है, किराए पे चलाते हैं। हाँ, घर में नहीं है नाव। नाम क्या हमारा? पूनम निषाद। पानी पड़ रहा है, क्या परेशानी है? दिक्कत कुछ नहीं है, जब गंगा माई आ गए तब निकलने, खाने के कुछ तकलीफ है। मैं खाने पीने की दिक्कत हो रही है? हाँ, का जब ना कमाई रही खाद का, कहाँ से कमाई? तुम हमका ना लाग देबो तो चारों कहीं पानी की कहाँ से निकाले? लड़का हमारा निकालने के है नहीं, भगवान से मनाती बाढ़ ना आवे। हाँ भगवान, अभी गंगा माई के मनी आ गई है, अभी तो गंगा माई के कह माता जी। गंगा माई इतना तेज आपकी जानकारी में पहुँच आपका आवाज बेटा, कुछ नहीं चलता, बढ़ते हैं बहुत। जैसे अचानक पानी बढ़ा तो पहले भी बहुत लोग, सन 1878 में जो बाढ़ आई थी, आपका घर डूब गया था? हाँ, डूब गया था, बता रहे हैं, डूब गया था। अपना नाम बता दीजिए। 78 हम लोग रहे। अपना नाम बता दीजिए। नाम बताओ। सुशीला, ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। आपको बता दें, प्रयागराज में तेजी से बढ़ते जलस्तर ने अभी खतरे के निशान से 4 मीटर दूर है, और अगर इसी स्पीड से पानी बढ़ता रहा तो प्रयागराज के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की अपनी तैयारी कर रखी है, बाहर बाढ़ राहत शिविर भी बनाए गए हैं। अगर जलस्तर निचले इलाकों में घुस गया तो सभी को बाढ़ राहत शिविर में रखा जाएगा।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।